हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको रामपुर। हम आपको दिखाने वाले हैं, ये है रामपुर का पुराना रेलवे स्टेशन, जिसको जाना जाता है नवाबों का रेलवे स्टेशन के नाम से। ये रेलवे स्टेशन का मेन गेट है। आजकल यहाँ पर पार्किंग जैसा सिस्टम बना रखा है, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं लोगों की। ये सब रेलवे स्टेशन की जगह है आगे को। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या नज़ारा है इसका। ये रेलवे स्टेशन में अंदर जाने का एक रास्ता है बाहर से। सबसे पहले हम बिल्डिंग पर नज़र मारते हैं। ये स्टेशन का एक मीनार हैं, बड़े बड़े बहुत ही आलीशान मीनार हैं जो नवाबों की शान को दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था सामने जो आजकल दिख नहीं रहा है। ये दूसरी तरफ भी एक मीनार है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पेड़ हैं इतने शानदार। वो सामने आपको दिखेगी रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई नवाबों की पुरानी ट्रेन। अब हम आपको नज़ारा कराएंगे नवाब साहब की ट्रेन का। ये है वो ट्रेन नवाब साहब की, जो आज भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जर्जर हालत में है। और ये एक प्राइवेट ट्रेन थी नवाब साहब की, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है प्राइवेट। इसके दो डिब्बे हैं ट्रेन के, जो आज भी यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन रही होगी उस ज़माने में ये। ये एक डिब्बा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, दूसरा डिब्बा, ऐसा लगता है कि शायद इसमें पहले एसी सिस्टम था। आजकल यहाँ पर भी बाइक की पार्किंग बना रखी है। ये ऊपर स्टेशन की छत है, जो इतनी पुरानी होने के बावजूद भी अभी तक टिकी हुई है। दो डिब्बे हैं, दोनों डिब्बों पे लिखा हुआ है प्राइवेट। सामने रामपुर का जंक्शन है, इधर दूसरी तरफ से भी देखिए, ये रामपुर का जंक्शन है। सामने टंकी है पानी की, और हम जहाँ पर खड़े हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर एक रहता है। और करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको इस ट्रेन को। बिल्डिंग भी बहुत आलीशान बनी हुई है, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। छत के ऊपर काफी घास उग चुकी है। रामपुर का न्यू रेलवे स्टेशन रामपुर जंक्शन भी बिल्कुल जस्ट इसके करीब में है। यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म हैं।
स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। सामने स्टेशन है, एक बार और दिखाते हैं आपको बिल्डिंग का नज़ारा। दूसरी तरफ ये सामने ज्वाला नगर ब्रिज है। स्टेशन पर बाइकों की पार्किंग है। चलिए वापस चलते हैं। अब चलते चलते एक बार फिर से ट्रेन का नज़ारा करते हैं। स्टेशन बहुत ही मजबूती से बनाया गया था, छत बहुत ही मजबूती से बनी हुई है। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।